बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन स्पगेटीज़। तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, इटालिया में इसको 19वीं सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया रेस्टोरेंट्स में। चले शुरू करते हैं बनाना चिकन स्पगेटीज़। मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन पाउडर है, 1 टेबलस्पून अदरक पाउडर है। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी 1 मिनट के लिए। मैंने ये 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें ये 250 ग्राम जो है इसमें चिकन के पीसेस हैं छोटे छोटे करके किए हुए वो डाल दूंगी। तो मैं अभी 2 मिनट के लिए मैं चिकन के पीसेस को फ्राई करूंगी। तो मैंने कढ़ाई में पानी ले लिया, स्पैगेटीज को मैंने इसमें बॉइल करना, फ्लेम में ऑन कर रही हूँ। धीरे धीरे मैंने 2 मिनट के लिए इसको फ्राई किया है। मैं इसे ढक्कन लगा रही हूँ, मैंने थोड़ा पानी और डाला है। मैं इसे ढक्कन लगा रहा था कि चिकन गल जाए। पानी इस पैकेट के लिए रखा है, उस समय ये 1 टीस्पून नमक डालूंगी, 2 टीस्पून ये ऑयल डालूंगी। जब पानी बॉयल होगा उसमें मैं स्पैगेटीज डाल दूंगी। मैंने इसमें स्पैगेटीज डाल दी है। अब जैसे ये बॉयल होती है मेरा कर लिया। अब इसमें मैं डालूंगी, इसमें पास जी मेरे पास ये जो है ये 2 टेबल स्पून जो है वो है चिली चिली गार्लिक पेस्ट है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं इसमें टमाटो केचप डाल रही हूँ। वन टी स्पून मैं इसमें ओरिगानो डालूंगी और फिर 1 मिनट के लिए इसको जरा भूनूंगी। ये 1 मेरे पास 1/2 टेबल स्पून मेरे पास ये व्हाइट मिर्च है ये मैं डाल रही हूँ। स्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है। ये 1.5 मेरे पास जो है वो है तंदूरी मसाला, ये मैंने घर में बना हुआ है, ये मैं मिक्स करूंगी इसमें। इसको आप 2-3 मिनट तक अच्छी तरह इसको भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें और मिक्स करें, थोड़ा कुक करें इसको। यानी ये देखिए हमारा चिकन जो है स्पैगेटीज के लिए तैयार हो गया। शाजी ने स्पगेटीज को चेक किया है, अच्छी तरह टेंडर हो चुके हैं। अब शाजी जो उसका पानी है उसको स्टेन कर देती है। शाजी ने स्पगेटीज को स्टेन कर लिया, अब वो शामिल करने लगी है इसको चिकन के अंदर। वो अच्छी तरह इसको मिक्स करेगी। ये देखिए क्या जबरदस्त लग रही है स्पगेटीज, क्या इसकी लेंथ बिल्कुल पूरी है। मेरे पास ये विनीगर है जो मैं 2 टेबल स्पून इसमें 3 टेबल स्पून सोया सॉस है जो मैं 3 टेबल स्पून ये डाल दूंगी। मेरे पास चिली सॉस है 3 टेबल स्पून मैंने ये डाल दी। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्ती बम्बास्टिक या नो किसी यूनिक सी रेसिपी के साथ। मुझे और शाजी को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।